और मुझको खुशी है आप सब लोगों की बड़ी अच्छी भूमिका रही है। हमने देखा है कि एक चीज़ की समीक्षा हर दिन हम लोग बातचीत करते रहे और नियमित तौर पर हम लोग मीटिंग करते रहे हैं और जिला के स्तर पर समीक्षा के लिए हम डीएम एसपी जो हमारे जितने लोग अन्य अधिकारीगण हैं कमिश्नर हैं सब हैं तो सब लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों के साथ हम लोग बातचीत करते रहे हैं और हर स्तर पर और यहाँ पर मुख्य सचिव के स्तर पर प्रतिदिन ये बातचीत होती रही है। आपदा प्रबंधन कानून लागू है इसलिए आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर हुआ, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा एक एक चीज़ का जो विश्लेषण करते थे हम लोग कि कहाँ क्या हो रहा और उसके बारे में लोगों में जागरूकता ला रहे थे तो ये पता चल रहा था कि भाई अपने यहाँ लोगों में बड़ी जागृति थी, गांव में रहने वाले लोगों में जागृति और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब में जागृति। आप सब लोगों ने मेहनत किया है, कोई मामूली काम नहीं किया, इसलिए हम आपको बधाई देते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जो भी गांव में रहने वाले लोग थे उनको भी पता था कि भाई इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि बाहर से लोग नहीं आवे। और जब ये लॉकडाउन लागू हुआ था पूरे देश में तो उसमें तो नियम ही बना हुआ था कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे और राज्य के अंदर भी एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगे, खास करके अगर स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल कोई आधार है या अन्य प्रकार से। जैसे तुरंत हम लोगों ने इसकी अनुमति प्रदान की थी खेती के लिए और उसके बाद जो ज़रूरत है लोगों को खाने का सामान खरीदना है, सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों के लिए शुरुआत तो शुरू में कर दिया गया था ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।